देखिए आज रोटरी क्लब रुड़की के द्वारा जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बुलाई गई थी और हमारे यहाँ कैंप कार्यालय पे रखी गई थी, इसका एक ही मोटिव है और वो ये है कि आर्टिफिशियल लिम्स जो है, जो आर्टिफिशियल हैंड है या लेग है, जिसका किसी को जरूरत है, जिसका किसी का पैर कट गया हो या हाथ कट गया हो किसी भी कारणवश, चाहे एक्सीडेंटल हो या बचपन से हो या किसी और चीज से, तो उसको हम फ्री सुविधा उसको आर्टिफिशियल लेग और हैंड की देंगे, उसको लगवा कर देंगे। उसको कोई भी पैसा जो है अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा पैसा रोटरी क्लब रुड़की द्वारा खर्च किया जाएगा, उसका व्यय जो दिया जाएगा वो सारा रोटरी क्लब रुड़की द्वारा। इसका प्रोसेस, पहला प्रोसेस में ये है कि हम आपको अभी 3 या 4 नंबर जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नाम प्रोवाइड करेंगे, उनपे आप अपने आपके द्वारा जो लोग हमारे पास इस सुविधा को लेना चाहते हैं वो लोग हमारे से संपर्क करें, उनको हम फॉर्म देंगे उसका भरने के लिए, उस फॉर्म पे वो अपना नाम और अपना जो आधार कार्ड की कॉपी और अपनी फोटो हमें अवेलेबल करा के देंगे। उसके बाद जयपुर से डॉक्टर्स का पैनल एक यहाँ पे आएगा, उनकी टीम यहाँ पे आएगी, जो उनका जो है पूरा का पूरा हाथ का और पैर का जो है नाप है या जो उनकी वो है वो मतलब जो लगाने का सिस्टम है वो उसको देखेगी कि उनको लग सकता है नहीं लग सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का पूरा हाथ अगर नहीं है तो उसको वो टीम वो नहीं अवेलेबल करा पाएगी, तो उसके नॉर्म्स है उसके तहत जितनों पे भी हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप 50 हो, 100 हो, 200 हो, उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो आर्टिफिशियल हैंड और आर्टिफिशियल लेग है उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में जब उनके हैंड्स और लेग्स हमारे पास बन के आ जाएंगे तो फिर डॉक्टर्स की टीम उनको लगाएगी और जो भी उस प्रोसेस में 2 या 3 या 4 दिन लगेंगे वो उनको जो है डॉक्टर्स सुविधाएं देंगे और उनका प्रॉपर हाथ और पैर चलवा के उनको यहाँ से जो है अपने पैरों पे और अपने हाथों पे। इसमें जो आपका उत्तराखंड है, केवल उत्तराखंड ही नहीं, हम कह रहे हैं उत्तराखंड के आसपास का मुजफ्फरनगर सहारनपुर के इलाके के भी अगर आपके माध्यम से लोग आना चाहे तो वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड IDT होनी चाहिए, जो उनका आधार कार्ड है वो हमें अनिवार्य है, हम उससे उनका चेक करेंगे कि वो व्यक्ति जो है हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए ये किसी भी वर्ग का, जितने वर्ग है हमारे, चाहे वो गरीब है अमीर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वो उस हर व्यक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो आपका अगर कोई भिखारी भी है जो भीख मांगने वाला है उसके लिए भी अवेलेबल है, वो भी हमारे पास आ सकता है और इसी तरह लगातार हर साल है ना बहुत अच्छे कोर्सेज लगातार करता आता है। हाँ, इतना बड़ा कोर्स जो है पहली बार हो रहा है और इसका जो पूरा श्रेय है मैं अपने जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट है हमारे अशोक अरोड़ा जी और हमारे संरक्षक है सुभाष सरीन जी उनको देना चाहूंगा, बाकी मेंबर्स टीम को जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, चाहे उसमें डॉक्टर सैनी जी हैं, चाहे उसमें चंद्रा साहब है हमारे, चाहे हमारे वीरेंद्र जैन जी हैं, गगन सरीन जी, अलका जी हैं, इन लोगों ने रोटरी क्लब के लिए बहुत काम किया है और ये इन्हीं की मेहनत है कि इतना बड़ा कॉज जो है रुड़की शहर के अंदर या जिले के अंदर पहली बार होने जा रहा है, ये इनकी मेहनत। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सचिन भाई के थोड़े से नोटिस पे आप सब लोग आ गए और मैं ये जानता हूँ कि जैसे पोलियो का काम आप लोगों ने करा था, 27 साल आपने उसके लिए योगदान दिया, उसकी वजह से आज ये जो दुनिया है पोलियो फ्री है, कोई भी पोलियो का मरीज नहीं है, तो ये जो अपने कैंप लगाना है ये बहुत बड़ा काम है और ये आपके सहयोग के बगैर अधूरा है और आप लोग जितना सहयोग इसमें करेंगे ताकि कल ये ना हो कि कोई कह दिए एक तरफ के लोग के कर दिए, उधर के कर दिए, ये रह गया था वो रह गया था, तो प्रेस से यही फायदा है कि हर वर्ग को, हर जरूरतमंद को पता लग जाएगा कि भाई सचिन भाई ने, अशोक जी ने, गगन ने, सुरेंद्र जी ने, संजीव जी ने, वीरेंद्र जी ने, रोटी ने, अलका जी ने, है जी, ये कैंप की जैसे तैयारी हम इसी महीने से शुरू कर देंगे, फिर जैसे आप लोगों का योगदान, आप भी रोटेरियन नहीं है क्योंकि आप जो सेवाएं करते हैं ना वो भी रोटरी के बराबर ही, आप लोग उनका फोटो ले लें, उनका आधार कार्ड ले लें, जिस टाइम हमारे पास क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, वो चाहे 200 हो, 400 हो, 500 हो, 1000 हो, हम सबको लिम्ब लगाएंगे और कोई भी वर्ग हो, कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी गरीब हो, फैक्ट्री का हो, भिखारी हो, कहीं कोई भी हो, पूरे उत्तराखंड का हो, भारत का कहीं का भी हो, रोटरी उसके लिए स्वागत करता हूँ जिन्होंने आप अपना इतना मूल्यवान समय दिया है और इसके लिए आज हमारा जो ये मीटिंग है और ये सारा प्रोग्राम हुआ है ये हमारा एक आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए था और इस आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए हमारी पिछली जो मीटिंग थी उसमें रोटरी में ये पास किया गया था कि हम इसको, इस कार्य को, आर्टिफिशियल लिम्ब कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हमारे सचिन जी का, सुभाष जी का, गगन जी का, डॉक्टर संजीव जी का, सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी साहब जैन साहब का, चंद्रा जी आदि सभी मेंबर का ये सजेशन आए कि इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रेस को आमंत्रित करना चाहिए ताकि प्रेस के माध्यम से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ
पेशेंट नहीं, ये इस तरह का आर्टिफिशियल लिम्ब का ये हो रहा है, अदरवाइज तो रोटरी क्लब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करता रहता है। ये पोलियो के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम थे जो थ्रू आउट वर्ल्ड होते रहे और इंडिया में लार्ज स्केल पे रहे, तो ये रोटरी क्लब का अपना देह है, सर्विस क्लब है, रोटरी क्लब अब भी करता है। और आगे बंधुओं से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आए और हमारे इस प्रोजेक्ट की कवरेज जो आज इनिशियल स्टेज पे आज स्टार्ट हो रही है, मुझे लगता है कि इसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है मैं आप लोगों को दूंगा अगर ये सक्सेसफुल हमारा हो गया, क्योंकि मिनिमम 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है जयपुर से यहाँ डॉक्टरों की टीम आने के लिए, और अप टू 200 300 400 500 तक के लोगों को हम कैटर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज से या कल से हम शुरू कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है हमने बहुत सिंप्लीफाइड रखी हुई है। सिंप्लीफाइड आप कहेंगे कैसे सिंप्लीफाइड, जो विकलांग आदमी है वो ना तो हाथ से लिख सकता है ना चल सकता है, उसके लिए सिंपल एक हमने प्रोसीजर रखा हुआ है कि उसकी फोटो और आधार कार्ड हमें फोटोस्टेट मिल जाए, दैट्स इट, हम उसी पे उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही उसका मोबाइल नंबर हमारे पास आएगा, उसको जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम होना होगा, जिस दिन उसको लिम लगेगी या उसके बीच में भी हमें उसको कॉन्टैक्ट करना होगा, हम उसे फोन पे संपर्क करेंगे, और डॉक्टरों की टीम जिस दिन हमारा ये हो जाएगा फाइनल, उसको स्पेशली बुलाया जाएगा, और वहां पे जो व्यवस्था है आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत सुनिश्चित व्यवस्था रखी जाएगी हमारी, और उस दिन भी आप लोगों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि किसी भी वर्क का एक्सीडेंट का केस हो, या जैसे मान लो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि फैक्ट्रियों में है, फैक्ट्रियों का केस हो, वी आर ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी हमें आ सकता है। हमारे सारे क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं 25 के 25, हमारे किसी भी मेंबर को वो संपर्क कर ले, अपना आईडी और फोटो दे दे, वो रजिस्टर माना जाएगा, बट हमें वो उसका फोटो लेके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।